यस सर, बना रही हूँ। वेरी गुड, इसकी वैल्यू बना रहे थे। सर यही वाला क्वेश्चन। इसकी ना आसान है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आएगी। वेरी गुड, कितनों का आंसर आ गया? सार्थक आयुषी, बस दो, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। क्यों, कैसे बनाया सार्थक? अब वो क्या, मैं ऐसा गलत आंसर आ रहा हूँ, जीरो आ रहा हूँ। सार्थक कैसे आंसर आया? सर जैसे, सर मतलब जैसे एक ये जो है सर, एक तीन एंगल जो दिए गए हैं, तो सर इसके सर कंपोनेंट निकाले थे, तो सर कॉस अल्फा और कॉस गामा और कॉस बीटा और कॉस गामा सबकी वैल्यू निकाली थी सर उस फॉर्मूले से, सर जब पुट की थी। चलो चलो सुनो, यस सर, ये वेक्टर है। आयुषी कैसे आंसर आया अपन? सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला सर, अंडर रूट ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा होल स्क्वायर सर, तो ए स्क्वायर फिर बाहर हो गया और ए ए कैंसिल हो गया और फिर दोनों तीनों की वैल्यू बना। चलो वेरी गुड। वैसे पहली बात तो ये है कि ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, उसको बोल देते हैं कॉस अल्फा। ठीक, अगर वो एंगल निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? अगर ए वेक्टर का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दें तो एज पर डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कॉस अल्फा हो जाएगा। वह एंगल अल्फा इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। बोलो। यस सर, ना यस सर, यही किया था। यू कैन स्टिल यूज द डॉट प्रोडक्ट। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? ए डॉट आई कैप, अगर इसको हम आई कैप के साथ में करें डॉट प्रोडक्ट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का आई कैप के साथ में करें डॉट प्रोडक्ट, क्या मिल जाएगा? ए एक्स आई कैप, सिंपली वी विल गेट ए एक्स आई कैप, नहीं सिर्फ ए एक्स, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा। कॉस बीटा कितना हो जाएगा सिमिलरली? ए ऑफ ए वाई बी का मैग्नीट्यूड। कॉस गामा कितना हो जाएगा? ए जेड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, एंड देयर फोर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए का होल स्क्वायर। बोलो बोलो। यस सर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, कितना आ जाएगा? ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक ठीक, यस यस। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड एज
डायरेक्शन कोसाइंस। इनका नाम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ऑब्वियस सी बात है, इफ ए वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल, ए वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? ए कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? ए कॉस बीटा हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस कितना हो जाएगा? ए कॉस गामा हो जाएगा। बोलो। यस सर। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। और therefore we can say a vector to be equal to a cos alpha i cap a cos beta j cap a cos gamma k cap, and thus we can say a vector divided by a ka modulus will be equal to a cap will be equal to, दोनों साइड में हमने ए से डिवाइड कर दिया, क्या मिल जाएगा? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। ठीक ठीक, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी यूनिट वेक्टर which makes alpha, beta, gamma angles with x, y, z axis respectively. ठीक है, बोलो। Yes sir। उसके अलावा अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा? सर जीरो। बिल्कुल नहीं, थ्री। बिल्कुल नहीं, सर टू। टू हो जाएगा। कैसे? कॉस स्क्वायर अल्फा को बोल दे वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको बोल दे वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको बोल दे वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो वन प्लस वन थ्री, और इधर भी वन है तो थ्री माइनस वन टू, और बाकी सारे वाले टर्म को, इन तीनों टर्म को इधर ले आए। ठीक है? यस सर, यस सर, टू हो जाएगा। तो अगर कोई भी वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगा एक्स वाई जेड एक्सिस से, ठीक, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा j कैप प्लस कॉस गामा k कैप लिखा जाएगा। ये एक यूनिट वेक्टर लिखने का किसी भी डायरेक्शन में बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर लिखने का किसी भी डायरेक्शन में बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। एक बात कर लेते हैं, अब हम लोग हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये वेक्टर 3D में है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, फिगर शायद इतना अच्छा ना बन पाए।
ये साइड हमें विजिबल साइड्स होंगी वाली, ये साइड्स क्यूब की छुपी हुई होंगी। क्यूब लिया हमने, 3D क्यूब लिया, जिसमें से हमने बोला ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक, ये हमारा ओरिजिन, हमारा जो वेक्टर है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के लॉन्ग। बोलो, ये तीन वेक्टर्स का सम खुद ही है, तीन वेक्टर्स का सम खुद ही है, उनमें से एक वेक्टर ये है, ये कौन सा वेक्टर है सर? आई कैप। ये ए का एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स आई कैप। दूसरा वेक्टर ये है, ये y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है, ये इसका y कंपोनेंट है, कौन सा? ए वाई जे कैप। ठीक, और ये रहा उसका तीसरा कंपोनेंट ए जेड। बोलो, समझ में आ रही बात? यस सर। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो वेक्टर हम इंडिकेट करना चाहते हैं, वो ये वाला वेक्टर है, ए वेक्टर। ऐसा 3D में जो वेक्टर होगा उसके तीनों कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। ठीक, जब हम बोल रहे हैं इसका एंगल एक्स एक्सिस से कौन सा है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से कौन सा है, ये वाला एंगल बीटा है, जेड एक्सिस से कौन सा है, ये वाला एंगल गामा है। समझ में आ रही बात है? ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल गामा है। ठीक है, ये 3D वेक्टर है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये डायगोनल है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए। यस सर। ना? यस सर। ठीक, ये हो जाएगा उनका रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। इसमें से अगर हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वो ये वाला वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में, सिर्फ इन दोनों का सम ये वाला वेक्टर हो जाएगा जो कि एक्स वाई प्लेन में होगा, और इन तीनों का सम ये वाला वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं
ए वाई जे के प्लस ए जेड के का कौन सा वेक्टर है, वो वाला वेक्टर है जो वाई जेड प्लेन में हो जाएगा। समझ मेरी बात? ठीक yes, सारी बातें ये हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये ला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला? दिस रिप्रेजेंट्स एनी वेक्टर व्हिच मेक्स एनी यूनिट वेक्टर व्हिच मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल with x, y, z axis respectively, ठीक। और ये अल्फा बीटा गामा एंगल इंडिपेंडेंट एंगल नहीं है, इनके बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर मेक्स 60 डिग्री एंगल with x axis, ठीक, and 30 degree angle with y axis, ठीक, find the angle it will make with z axis, ठीक। पहला सवाल, also write a unit vector along the vector, अमित कुमार सिंह तुम अभी आए हो? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑल्सो राइट ए यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, तो वेक्टर मेक 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो जेड एक्सिस कितना एंगल बनाएगा वो? सर 30। जेड एक्सिस कितना एंगल बनाएगा वो? कैसे निकालेंगे सवाल? सर कॉस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल, कॉस स्क्वायर एक्स एक्सिस से 60, कॉस स्क्वायर वाई एक्सिस से 30, कॉस स्क्वायर गामा हमें निकालना है बराबर 1, तो कॉस गामा कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? Cos gamma 0 हो जाएगा, therefore gamma will be equal to 90 degree. बिल्कुल सही बात है। अरे भाई अगर कोई वेक्टर x एक्सिस से और y एक्सिस से, x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा, y एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाएगा,
तो एक्स वाई प्लेन में ही तो होगा, तो एक्स वाई प्लेन में ही तो होगा। यस सर। यस सर। ऐसे से कितना एंगल बनाएगा वो? 90 डिग्री एंगल बनाएगा फिर, है ना? उस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप विल बी इक्वल टू जो भी उसका मॉडुलस है, कॉस 60 आई कैप, कॉस 30 जे कैप, ए कॉस 90 के कैप। कॉस 90 तो जीरो है ना? बोलो। यस सर। ठीक, अगला एग्जांपल। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। व्हाट एंगल इट विल मेक विद जेड एक्सिस? बताओ। सर 60 डिग्री? बिल्कुल नहीं। 90 डिग्री? बिल्कुल नहीं। अरे 30 डिग्री। 45 cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 करना है सर। हो जाएगा 1/4 cos 60 1/2 होता है, प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। 1/4 प्लस 1/4 1/2। ठीक है, तो cos स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। cos गामा कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। गामा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। ठीक, तो उस वेक्टर को क्या लिखेंगे? वेक्टर ए लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर 60 आई कैप प्लस कॉस 60 जे कैप प्लस कॉस 45 के कैप। बोलिए। यस सर। समझ मेरी बात? चल, ये हो गया 3D वेक्टर के बारे में, हमने सारी बातें कर ली हैं। याद रखिए, कहीं एंगल पूछा हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट करना सबसे कन्वीनियंट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं अब लास्ट टॉपिक की, एंड दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबल जो होता है वो क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, ठीक। जहां तक बात है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, जहां तक बात है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो वो बराबर ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये बात पहले हो चुकी डिस्कस, है ना? ये बात भी पहले डिस्कस हो चुकी है। यस सर। ठीक है,
अब इसकी बात डायरेक्शन की भी होगी, तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा और डायरेक्शन एन कैप से हम लोग कर सकते हैं रिप्रेजेंट, वेयर एन कैप इज ए वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस, है ना। किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे जो करते हैं रिप्रेजेंट, ये उसका पार्ट, उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट उसका मैग्नीट्यूड है, इतना पार्ट उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पार्ट उसकी डायरेक्शन कर रहा है रिप्रेजेंट। बोलो। यस सर। बोलो। अब बात ये है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी और क्यों होगी, तो ये चीज एक आर्बिट्री कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है ये, दिस इज नथिंग बट एक कन्वेंशन कि एन कैप की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक ठीक। फॉलोइंग इज समथिंग कॉल्ड एज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, यस। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला, इट इज ए कन्वेंशन। ठीक, उधर कुछ होगा नहीं, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग एक्चुअली में रियलिटी में कुछ होगा नहीं, लेकिन तब भी वो डायरेक्शन वही ले रखी है। देखो उधर कोई भी दो वेक्टर्स ए और बी, वी कैन ऑलवेज ज्वाइन देयर टेल्स एंड फॉर्म ए प्लेन। This is the plane formed by A and B. ठीक, कोई भी दो वेक्टर्स A एंड B स्पेस में कैसे भी हों, यू कैन ऑलवेज फॉर्म ए प्लेन from these two vectors. This is the plane of A and B. बोलो, कोई भी दो वेक्टर्स स्पेस में कैसे भी हो, A इधर है, B इधर की तरफ है, we can always join their tails. We can always join their tails and form a plane. बोलो, अपने किधी अपने जो हाथ की चारों उंगलियां हैं थंब छोड़ के, थंब भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें से कोई भी दो उंगली कहीं भी पॉइंट कर लिए, उनमें से कोई भी दो उंगली राइट या लेफ्ट हैंड किसी भी हैंड की कोई भी दो उंगली किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए, उनसे एक प्लेन जा रहा है, पास करेगा या नहीं करेगा? यस यस, कर रहा है ना। ठीक, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। एन कैप है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर में भी एक हो सकती है गड़बड़ी, क्या परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, इस प्लेन के नीचे भी हो सकता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। राइट हैंड रूल ये बोलता है एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म्ड बाई
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। और उसके अलावा क्या बात हुई, वी कैन ऑलवेज पास ए प्लेन फ्रॉम टू वेक्टर्स कंटेनिंग टू वेक्टर्स, बोलो ठीक। अब n कैप इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये, अगर रियल एग्जांपल लें तो n कैप कुड बी बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना? यस सर। जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट टू फाइंड ए क्रॉस बी, राइट हैंड को ले और थंब को सीधा खड़ा कर दे ऐसे, राइट हैंड को ले और थंब को ऐसे सीधा खड़ा कर दे, ये हो गया थंब, ठीक। अब राइट हैंड की फिंगर्स को ए की तरफ रखें और ए से बी की तरफ घुमाएं, ऑब्वियस बात है फिंगर्स अंदर ही घूमेंगे, बाहर तो नहीं घूम जाएंगे। पॉइंट द फिंगर्स ऑफ, पॉइंट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टूअर्ड्स ए, ठीक, एक तरफ पॉइंट कर लें, ठीक। देन रोटेट देम टूअर्ड्स बी, ठीक है, ए से लेके बी की तरफ घुमाएं, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले ए की तरफ पॉइंट कर लें फिर बी की तरफ घुमाएं, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको उस पर घूमना है, ऐसे नहीं घूम के आना है, जो शॉर्ट जो छोटा वाला एंगल है उसके अलाउंड घूमना है, ए की तरफ पॉइंट करके बी की तरफ घुमाना है, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स ए क्रॉस बी, दिस इज द रूल, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स ए क्रॉस बी। तो इस कंडीशन में थंब किधर पॉइंट करेगा, ऊपर या नीचे, सबको ये मालूम होना चाहिए कि उनका राइट हैंड किधर है, सर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक। ये सिर्फ डायरेक्शन बताने का तरीका है, मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा है, जहां थीटा इन दोनों बीच के, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, जहां थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, बोलो। यस सर। ठीक, देखो सर, फॉर एग्जांपल, बहुत सा एग्जांपल कर लेंगे, ए अगर इधर की तरफ है और बी अगर इधर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी दोनों इस पेपर के प्लेन में, ठीक, ए क्रॉस बी किधर की तरफ होगा, पेपर के अंदर की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ, पक्की बात है, पेपर के प्लेन के अंदर होगा, सबको समझ में आ रहा है, मेक इट श्योर कि आप राइट हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप राइट हैंड की फिंगर्स को ए की तरफ घुमाएंगे, ए की तरफ रखेंगे ऐसे, ताकि आप बी की तरफ उसको घुमा पाएं,
ठीक है, तो आपका थंब अपने आप ही चला जाएगा नीचे। बोलो बोलो। यस सर। ए क्रॉस बी इधर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर प्लेन के अंदर कहीं रिप्रेजेंट करना है तो हम क्रॉस से कर देते हैं रिप्रेजेंट। दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन, टू इंडिकेट डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन। ठीक है, और अगर इसी सवाल में ए इधर होता और बी इधर होता तो ए क्रॉस बी किधर होता? सर हमारी तरफ, सर आउटवर्ड, हमारी तरफ, प्लेन के बाहर आ रहा होगा। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट। ठीक, सबको ये बात समझ में आ रही है? अक्षत? यस सर। दोनों अक्षत? यस। अक्षत नहीं है। आलोक? आलोक सर, कौन सी फिंगर को सर ए पे रखना है? सर फिंगर को नहीं, पूरी पूरी चारों उंगलियों को। पहले चारों उंगलियों को ए की तरफ रखना है। थम हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब ए से बी की तरफ घुमाना है, ए से बी की तरफ घुमाना है। थम कहाँ हो जाएगा? थम बाहर की तरफ होगा, तभी तो ऐसा कर पाओगे। पहले ए की तरफ रखा हुआ है, पहले ए की तरफ रखा हुआ है, फिर बी की तरफ घुमाना है। थंब प्लेन के बाहर आएगा ना? यस सर। ठीक है, अगला एग्जांपल, ए इधर की तरफ है और बी प्लेन के अंदर है, तो ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा? सर अपवर्ड। सर अपवर्ड। ए क्रॉस बी। थम इस बार राइट हैंड कैसे रखा जाएगा? राइट हैंड कैसे रखा जाएगा? राइट हैंड पहले ए की तरफ रखा जाएगा। थम इधर की तरफ हो जाएगा, ये थम है। अब ए से बी की तरफ घुमाया जाएगा, बी प्लेन के अंदर है, तो थंब कहाँ है पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड। ए क्रॉस बी किधर की तरफ है? इस कंडीशन में इधर की तरफ। बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। एग्जांपल, ए प्लेन के बाहर है, बी इसी प्लेन में है, इधर की तरफ, तो ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा? ए डाउनवर्ड आ रहा है सर, अपवर्ड। ए प्लेन के बाहर आ रहा है, बी प्लेन के अंदर है, तो ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा? सर अपवर्ड। डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा। ए पहले हमारी जो फिंगर्स होंगी वो ऐसे रखी होंगी, एक अलोंग घूमेंगी बी की तरफ, राइट हैंड की, तो थंब इधर ही पॉइंट करेगा ना? बोलो। अगला एग्जांपल, ए जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन होती हैं, तो ए टुवर्ड्स नॉर्थ है और बी टुवर्ड्स वेस्ट है। ठीक, तो ऐसा ही होता है आलू में, ये इंडिकेशन ऐसा होता है डायरेक्शंस का।
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ए बी इस प्लेन में है, बी बी इस प्लेन में है, ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा सर? अपवर्ड। ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा? अपवर्ड, अपवर्ड द प्लेन पे। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, बोलो। ठीक है, अगला एग्जांपल, ए टुवर्ड्स साउथ है और बी वर्टिकली डाउनवर्ड है, बी वर्टिकली डाउनवर्ड है सर, ईस्ट की तरफ। अगेन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये डायरेक्शंस हैं सर, नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल नॉर्थ नहीं। ए इधर हो जाएगा, बोलो। यस सर। टुवर्ड्स है और बी प्लेन के अंदर है, बी प्लेन के अंदर है वर्टिकली डाउनवर्ड, बी प्लेन के अंदर है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो राइट हैंड को जब ए से बी की तरफ घुमाएंगे, हमारा टारगेट क्या है, हमें ए बी दे रखे हैं, हमें ए से बी की तरफ घुमाना है, तो हमारा थंब कहाँ पॉइंट करेगा? ईस्ट, ईस्ट की तरफ। ए क्रॉस बी विल पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक, इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। बोलो, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा? नो सर, नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ए डॉट बी लेकिन बी डॉट ए के बराबर था, है ना? डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बोलो। यस सर। ठीक, बी नीचे की तरफ है इस केस में, तो ये सब डायरेक्शन ए क्रॉस बी की है। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक, ये होगा डायरेक्शन निकालने का तरीका। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स विल बी जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी साइन बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप था और दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगा। इनफैक्ट हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दोनों बोल सकते हैं, पैरेलल ऑब्लिक एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जीरो या 180 डिग्री, है ना? इनके बीच में जीरो या 180 डिग्री की एंगल होगा और दोनों की वैल्यू जीरो होती है, विल बी इक्वल टू जीरो। एन कैप जो भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जीरो आ जाएगा तो अल्टीमेटली आंसर जीरो आ जाएगा, है ना?
बोलो फॉर एग्जाम्पल आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, सबके सब जीरो होंगे, ठीक है? ठीक है, यस, ठीक। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स मेक 90 डिग्री एंगल, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर 90 डिग्री पे होगी। बोलो बोलो। यस सर। ठीक, तो जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तीसरी बात, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है? कैसे? यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ए क्रॉस बी नीचे की तरफ होगा और बी क्रॉस ए ऊपर की तरफ होगा। बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। ठीक है, अब जो है ये बात हो गई थी, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे सार्थक? यस सर, ये पूछ रहा था कि कोई इसे सब फिजिकल क्वांटिटी है, तो सर वो अगर ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो भी मतलब वही परपेंडिकुलर ही होगा उसके, जो वो क्वांटिटी डिफाइन की जाएगी उसी डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल सही बात है सर, उसका इफेक्ट भी मतलब वहीं पे ही होगा। नहीं, इफेक्ट वहां होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वांटिटी को डिफाइन उस डायरेक्शन में कर रखा है। अच्छा, इफेक्ट उधर होने की, उधर हो सकता है कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन डेफिनेशन उस क्वांटिटी की उसी डायरेक्शन में है। यस, ठीक। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक। उसके अलावा लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये बात बिल्कुल सही है, बस डायरेक्शन का हेर फेर है ना, इसलिए वो एंटी पैरेलल है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे। उसके अलावा ए प्लस बी और क्रॉस सी करना है, ऐसा कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी होगा, बस ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर सी क्रॉस ए प्लस बी कर रखा होगा तो वो बराबर सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस क्रॉस ए प्लस सी करना हो, कितना आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट? कितना आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट? चार ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए ए क्रॉस सी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी। बोलो। यस सर, ए क्रॉस ए होगा यहाँ पे।
ए क्रॉस बी नहीं होगा, ए क्रॉस ए होगा, जिनमें से ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। ना फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी करना हो कितना आ जाएगा? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से ए क्रॉस ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी, इनमें से ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे। बोलो। यस सर। यस सर। और बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? बी इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर जाएंगे। क्रॉस ए इनटू बी क्रॉस ए, टू इनटू बी क्रॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी या माइनस ए क्रॉस बी खुद ही बी क्रॉस ए के बराबर होगा, सॉरी बी क्रॉस ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम लोग, जिस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन है उसी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। बोलो, क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। उसके अलावा आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा? सर वन, वन होगा। वन वेक्टर है कि स्केलर है? बराबर होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है इनटू एन कैप भी तो होगा, है ना? और एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर ये एक्सिस एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो आई कैप इधर पॉइंट कर रहा होगा, जे कैप इधर पॉइंट कर रहा होगा, एन कैप किधर पॉइंट करेगा? सर जेड एक्सिस। समझ में आ रही बात? सर पॉजिटिव जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस इधर पॉइंट करेगा, वाई एक्सिस इधर पॉइंट करेगा, जेड एक्सिस किधर पॉइंट करेगा, इधर की तरफ पॉइंट करेगा? बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो करते हैं। yes, आई के अलोंग अगर हम फिंगर्स को रखें और जे कैप के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग घुमाएं तो हमारा थंब इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये कितना हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। ठीक, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी इक्वल टू के कैप। बोलो। yes, sir. क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, सर माइनस जे क्रॉस आई पॉजिटिव आई कैप विल बी इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप will be equal to j cap. समझ में आ रही बात? बोलो। yes sir. राइट हैंड की फिंगर्स को यहां से लेके यहां तक घुमाया तो थंब हमारा इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसका रिवर्स ऑर्डर में अगर किया जाए j cap क्रॉस i cap तो वो माइनस के कैप हो जाएगा, माइनस के कैप क्रॉस जे कैप तो वो माइनस आई कैप हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप तो वो माइनस जे कैप के बराबर हो जाएगा। एंड दस अगर ये बोला जाए क्या कि वी कैन यूज दिस
method to remember I cap cross J cap K cap के बराबर होगा, J cap cross K cap I cap के बराबर होगा, K cap cross I cap J cap के बराबर होगा, ऐसे clockwise order में flow करेगा। अगर उल्टा है, अगर this cross this तो ये बराबर हो जाएगा minus J cap, अगर this cross this तो ये बराबर हो जाएगा minus I cap। बोलो ठीक है? Yes sir। और फाइनली अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म अगर वेक्टर्स दे रखे हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और दूसरा वेक्टर दे रखा हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप और हमको निकालना हो ए क्रॉस बी, तो इस बार काम बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, काम बड़ा लंबा हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है डिटरमिनेंट फॉर्म में, ए क्रॉस बी बराबर होता है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक, ए एक्स बी ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। सुनो ध्यान से, ये डिटरमिनेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, बोलो पढ़ा हुआ है? यस, इसका मेथड बताया गया था। मेथड बताया गया था, ठीक है, मैं बता देता हूँ मेथड, फिर से बता देता हूँ। इस डिटरमिनेंट को निकालने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे आई कैप, ठीक, आई कैप सबसे पहले लेंगे। अगर पढ़ा हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान नहीं देना इस पर, दोहराणी से। जब हम आई कैप लेंगे तो हम जो बाकी की रो और कॉलम है, ये और ये और ये और ये, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, एक काम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ, और पहला वाला टर्म हो जाएगा आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, या ए वाई बोल देते पहला टर्म, माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ठीक, एक टर्म इसका ये आ जाएगा। फिर इसके साथ में ऐड करना होगा, फिर से लेते हैं यही डिटरमिनेंट, इस बार हम लोग जे कैप लेंगे और अब हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, इन दोनों को, इन दोनों को इग्नोर कर देंगे और अब दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करेंगे। अगला टर्म हो जाएगा जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक, और क्या पढ़ाया गया था यहां पे, जे कैप में बस एक नेगेटिव लगा देंगे, यस सर, ठीक, और तीसरा टर्म जो होगा उसमें हम लोग इन दोनों को इग्नोर कर देंगे इसके नीचे चला गया ये, हम लोग इस बार के कैप लेंगे
इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म जो हो जाएगा के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। और जो वेक्टर सम देयरफॉर हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा बराबर दिस टर्म, पहला वाला टर्म दूसरा वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म का सम। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर होगा क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें एक वेक्टर होगा क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने इन दोनों टर्म को इग्नोर कर दिया, जब आई कैप के साथ मिलिया तो उसके नीचे वाले टर्म को इग्नोर कर दिया, जब जे कैप के साथ मिलिया तो उसके नीचे वाले टर्म को इग्नोर कर दिया, जब के कैप के साथ मिलिया तो उसके नीचे वाले टर्म को इग्नोर कर दिया। इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को करना हो 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस 4i कैप किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिटरमिनेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपल तरीके से भी इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा 3i कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस 4i कैप, बताओ ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, जीरो जीरो प्लस 16, व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू वन, वन कहाँ होगा भाई, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 माइनस के कैप या माइनस 16 के कैप, बोलो बोलो। अगर यही चीज डिटरमिनेंट से करनी होती तो हम बोलते आई कैप जे कैप के कैप, इस वाले के लिए आई कैप का कंपोनेंट है 3, जे कैप का कंपोनेंट फैक्टर है 4, के कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है, और पहले वाले में 4 0 0, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते तब भी यही आंसर आता जिस तरीके से बताया गया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल 3i कैप माइनस 4j कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 3j कैप, ये करना हो तो या तो हम कर लें डिटरमिनेंट फॉर्म में, कोई चिंता की बात नहीं है, i कैप j कैप k कैप 3 माइनस 4 0, इसका k कंपोनेंट कोई नहीं है, और 4 3 0, बोलो बोलो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें, बोलो। यस सर, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें, अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, नहीं आता तो घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो चिंता मत करें। क्या करेंगे इसमें, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, पहले दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, जीरो, पहला टर्म जीरो हो जाएगा, बोलो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना,
Yes, sir. Listen to this. Minus 4 j cap cross 4 i cap. फिर तीसरा वाला टर्म दिस इनटू दिस हो जाएगा प्लस थ्री आई कैप इनटू थ्री जे कैप और चौथा वाला टर्म दिस इनटू दिस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा जीरो जीरो ठीक नाउ व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप माइनस के K. 16 k cap pehla term aa gaya plus what is i cap cross j cap k cap k cap k cap k cap dusra term aa gaya the sum is 25 k cap obviously it is a vector kyunki isme k cap gayab nahi hua dot product mein ye k cap gayab ho gaya tha yahan ye gayab nahi hua समझ में आ रही है बात yes, sir. एक चीज नहीं समझ में आ रही सर सर डॉट प्रोडक्ट से सर वो वेक्टर नहीं आ रहा था पर जब सर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फिर सर वेक्टर तो ये तो उसके डेफिनेशन में ही डॉट प्रोडक्ट को तो हमने स्केलर के रूप में ही डिफाइन कर रखा था डॉट प्रोडक्ट को तो हमने स्केलर के रूप में डिफाइन कर रखा था ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है ए बी कॉस थीटा उसमें तो कोई वेक्टर था नहीं क्रॉस प्रोडक्ट को हमने वेक्टर के रूप में डिफाइन कर रखा है उसकी डायरेक्शन भी है ठीक है बोलो ओके सर यस सर अब हम लोग बात करते हैं फाइनली एप्लीकेशन और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी भाई पहला एप्लीकेशन जैसे वहां बहुत सारे एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट के पहला एप्लीकेशन टू प्रूव टू वेक्टर्स आर पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो हम क्या करें दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें अगर वो जीरो के बराबर है मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है ठीक हालांकि ये बहुत लंबा काम है इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं देयर इज ए अल्टरनेटिव वे आल्सो व्हिच इज मच मोर सिंपलर यू कैन सिंपली अगर बोल दें ए बराबर सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू बी हो सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू बी हो बी वेक्टर अगर हम ऐसा बोल दें अगर हम ऐसा कोई लैम्डा फाइंड कर लें तब भी लैम्डा जहां पे कोई कांस्टेंट हो लैम्डा एक कांस्टेंट हो तो भी ये बात प्रूव हो जाएगी अगर लैम्डा अगर वो पॉजिटिव हो तो क्या होंगे पैरेलल होंगे अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो क्या होंगे वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे ठीक जैसे एग्जांपल के लिए we can say that कि अगर a vector 2i cap minus 3j cap plus k cap है और b vector minus 20i cap plus 30j cap minus 10k cap तो क्या a vector और b vector आपस में parallel या anti parallel है क्या बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल या पैरेलल है यस सर बिल्कुल है आई कैन सिंपली से बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आई कैन फाइंड ए कांस्टेंट आउट एंड आई कैन सिंपली से बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बोलो बोलो यस सर यस तो ये काम हम प्रूव करना हो वी कैन फाइंड है ना सेकेंड जो एप्लीकेशन है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर जैसे अगर एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर बी ये है
हमें ए का कंपोनेंट चाहिए जो कि बी के परपेंडिकुलर है, हमें ए का कंपोनेंट चाहिए जो कि बी के परपेंडिकुलर है, वो कितना होगा, ए साइन थीटा होगा, बोलो, ए साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, बोलो, है ना, बोलो यस सर। तो ए साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ए साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कर रखा हम लोगों ने, बताओ, बोलो, यस सर, हम लोगों ने सेकेंड वाला पार्ट कर रखा है ये, वो अगर हमें एक ए का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि पैरेलल टू ए है, दिस विल गिव अस कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, दिस विल गिव अस कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, बोलो बोलो यस सर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। तो अगर हमें किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के परपेंडिकुलर निकालना है, दिस इज व्हाट वी कैन डू। अगर हमें परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर है, 5k कैप पर ध्यान देना, बी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, क्या करेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट से निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे, बोलो यस सर। ठीक, थर्ड एप्लीकेशन जो है इसका, टू फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, दो वेक्टर से हम लोग वी कैन फॉर्म ए पैरेललोग्राम, बोलो, दो वेक्टर से वी कैन फॉर्म ए पैरेललोग्राम, Yes. दो वेक्टर से वी कैन फॉर्म ए पैरेललोग्राम, अगर हम ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को निकालें, तो वो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, बोलो, विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू बी मैग्नीट्यूड वाइज। And what is a sin theta? अगर ये angle theta है, what is a sin theta? A sin theta is nothing but the perpendicular. बोलो, अगर ये angle a है, अगर ये side a है, ये theta है, तो ये sin theta हो गया ना? बोलो? Yes sir. A cross b किसी parallelogram का area क्या होता है? Base into perpendicular होता है, बताओ? होता है ना? तो जब भी हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे होंगे,
जब भी हम लोग ए क्रॉस बी निकाल ले होंगे उसके मैग्नीट्यूड जो होगा विल रिप्रेजेंट द एरिया फॉर्म्ड बाय द पैरेललोग्राम will represent the area formed by the parallelogram. समझ में आ रही है बात? बोलो. Yes sir. ठीक. Yes sir. That's all. About क्या? Vector product. ठीक. That's all about the vector product. एक चीज और रह गई है, चलो उसको अगली क्लास में कर लेंगे. इसके ऊपर examples कुछ और मैं करवा दूंगा, अभी मैंने example नहीं करवाया है. एग्जाम्पल को दूंगा वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर और अच्छे एग्जाम्पल्स. तो दैट्स ऑल अबाउट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अभी बहुत दिनों तक नहीं होगी. जब रोटेशन पढ़ेंगे पहली बार तो क्रॉस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आती है, उससे पहले नहीं आती. वो भी 3-4 महीने के बाद स्टार्ट होता है. ठीक है, तब तक आप लोग भूल जाएंगे, मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा पूरा जल्दी जल्दी. क्रॉस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अभी फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अभी फिलहाल के लिए वेक्टर्स पे क्वेश्चन करने के लिए इसके टॉपिक करने पड़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे. आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं. जब हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्या, जब एप्लीकेशन करेंगे रोटेशन में, तो एक बार जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी से देख लेंगे, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे उस समय. ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं. सारा होमवर्क कर लेना आप लोग. ठीक है, सारा होमवर्क, जो होमवर्क आप लोग कर लेना. बोलिए. यस सर. यस सर. ठीक, ओके, चलो बाय. सर बताओ. सर आप नोट्स का पीडीएफ आज डाल देंगे ना सर? थैंक यू. नोट्स का